वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करेंगे होंडा सिटी 2022 के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके देखिए, होंडा सिटी 2022 की एक डिटेल्ड रिव्यू की वीडियो है, मैंने अपलोड की हुई है, उसको जाके देखिए एंड प्लीज़ बताइए गाड़ी की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। एंड अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। एंड पहले वॉल्यूम कम करते हैं और इसके बाद पहले दिखाते हैं बैक कैमरा की क्वालिटी। ये है बैक कैमरा की क्वालिटी आपकी। एंड सबसे अच्छा फीचर जो इसके अंदर दिया है वो दिया हुआ है ये, इसको आप इसको जूम आउट एंड जूम इन यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा जूम ले जाता है ये, और बहुत ही आसानी से कुछ मिट्टी पत्थर पड़ा हो पीछे बैक पे तो आपको आराम से जूम करके इसको देख पाते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा है होंडा का। लाइक कुछ भी सामान पीछे छोटा मोटा भी पड़ा हो तो उसको आराम से आप जूम करके विजिबल कर सकते हैं आराम से। तो ये है क्वालिटी बैक कैमरा की। ये बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ये मेन्यू का बटन है, होम पे क्लिक करने का बटन है, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे डेट शो कर रहा है एंड दिन शो कर रहा है आज का। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे जॉब स्टेशन सुन रहे हैं एफएम का वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग करने का भी ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है। इसको बंद करते हैं। नीचे आपको दिखा रहा है रेडियो, यूएसबी, आईपॉड, ब्लूटूथ, ऑडियो, फ़ोन, एप्लीकेशंस एंड सेटिंग। तो बात करते हैं वन बाय वन। रेडियो में जाते हैं तो अगेन ये डिस्प्ले खुल जाता है आपके सामने, जहाँ पे ये स्टेशन सारे के सारे यहाँ विजिबल हो जाते हैं आपको। एंड जो भी स्टेशन आप सुन रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे सेम विजिबल हो जाता है। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको इस तरह से ये मैनुअली करना पड़ेगा। ये वाला दबा देंगे ऑटोमेटिक वाला, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेशन जो इसके बाद आपका आने वाला होगा वो आप आराम से लगा सकते हैं। USB iPod, अभी यहाँ पे कुछ अभी फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा है। ब्लूटूथ ऑडियो में जाएंगे तो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग राइट नाउ। फ़ोन में अगेन ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करते ही पूरे कॉल लॉग्स, जो भी लास्ट कॉल किया है, मिस कॉल्स वगैरह सारे के सारे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहीं से इसको डायल भी कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फीचर एज वेल। एप्लीकेशंस, ये फ़ोन कनेक्ट करते ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आप इसकी होंडा ने जो एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो उसको भी यूज़ कर पाएंगे। सारे की सारी एप्लीकेशंस इसके अंदर आप देख सकते हैं और उसको आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल शो कर रहा है लैंग्वेज। लैंग्वेज सेटिंग्स में ऑफकोर्स यहाँ सारी की सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। सबसे अच्छा मुझे इसका जो लगा है वो है टच एंड फील, बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्सिव इसका दिया गया है टच स्क्रीन। लाइक कोई भी लैग नहीं है इसके अंदर, आप तुरंत इसको क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका मेन्यू खुल जाता है। ब्लूटूथ के ऑप्शन में ऑन ऑफ ब्लूटूथ करने का ऑप्शन, ऐड फोन, नया कोई डिवाइस कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, डिलीट करना हो कोई डिवाइस तो डिलीट फोन से कर सकते हैं, सेलेक्ट फोन, रिप्लेस फोन, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ऑडियो में अगेन बेस, ट्रेबल एंड स्पीड सेंसिटिव वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको पीछे के स्पीकर्स बंद करने हो या आगे के बंद करने हो तो इससे आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। DSP कंट्रोल में आपको अगेन एक्सेलेंट पॉप, जैज, रॉक, क्लासिक जैसे कुछ बाय डिफॉल्ट मिलते हैं फीचर्स, तो आप इसको आराम से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगेन डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल ईजिली आप यहाँ से कर सकते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलपेपर्स में आप रीसेट बैकग्राउंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थीम्स में जाएंगे तो आपको ब्लू, ग्रीन, रेड के ऑप्शंस मिलते हैं। अभी यहाँ पे ब्लू सिलेक्टेड है, लेट मी सिलेक्ट द ग्रीन वन। ओके, तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड थीम है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर देखने वाला इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड बहुत ही प्यारी थीम्स भी दी गई हैं इसके अंदर। ओके, डिस्प्ले हो गया। अब आते हैं क्लॉक, क्लॉक एडजस्ट अगेन 24 आवर्स फॉर्मेट, 12 आवर्स फॉर्मेट, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड ओपनिंग स्क्रीन, होंडा का लोगो जो आता है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। स्मार्टफोन अगेन आईफोन, एंड्रॉयड ऑटो इन एप्पल का प्ले, आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। रियर कैमरा के ऑप्शंस हैं, लास्ट व्यू, वाइड व्यू व्हेन लास्ट व्यू इज टॉप व्यू, नॉर्मल व्यू व्हेन लास्ट व्यू इज टॉप व्यू, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। RDS, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स लाइसेंस एंड फैक्ट्री सेटिंग्स जैसे ऑप्शन यहां पे आपको दिख जाते हैं। तो ये था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत रिस्पॉन्सिव एंड बहुत ही ईजी टू यूज़ एंड बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। टच फील बहुत अच्छा है इसका। यहाँ आपका देखे होम का बटन, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं मेन्यू को, प्लस एंड माइनस ऑफ द वॉल्यूम कंट्रोल्स, एंड यहाँ से आप इसको एक बारी प्रेस करेंगे तो ये आपका मेन मेन्यू पे आ जाएगा, और प्रेस करके रखेंगे तो ये आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। एंड इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको एक बटन दबाना है और यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं स्टेयरिंग कंट्रोल्स के बारे में इसके कुछ। यहाँ पे है क्रूज कंट्रोल, यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप करने का, कैंसिल एंड सेट करने का स्पीड आपका ऑप्शन है ऑटोमेटिक। यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं, यहाँ से स्पीड आप कम कर सकते हैं, एंड यहाँ से क्रूज कंट्रोल आप कैंसिल कर पाएंगे एंड यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। मिडल में होंडा का लोगो है एंड यहाँ पे दिया गया है कुछ कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से होगा आपका। सोर्स में आप जाएंगे तो अगेन यहाँ देख सकते हैं आपके सोर्स में FM, AM, USB सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे जो भी आपके कनेक्टेड होंगे उस टाइम पे ये सारे के सारे शो कर देगा। वॉल्यूम अगेन एंड ये आपके कुछ फ़ोन के ऑप्शन दिए गए हैं, फ़ोन कनेक्ट करने के एंड फ़ोन डिसकनेक्ट करने के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड दिस ये जो दिए गए ये प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग चलाने का ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे दबाएंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेशन प्ले हो जाएगा एंड इफ़ यू आर यूजिंग ब्लूटूथ से सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ से प्रीवियस एंड नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो ये था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूज ऑन होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ आ रहा है, क्रूज मेन के ऑप्शन खुल जाते हैं, इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। यहाँ दिए हुए आपके हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ दिए हुए आपके वाइपर कंट्रोल्स एंड इसके पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रिप लॉक, ट्रिप सेटिंग करने का ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ सिस्टम दिया गया है टू सेट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ ट्रिप का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज स्पीड, ये आपके सारे के सारे ऑप्शन खुल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। मिडल में आप देख रहे हैं मैं यहाँ से बटन प्रेस कर रहा हूँ इधर से, ये यहाँ से, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। ट्रिप बी एंड 12 आर्ट्स फॉर्मेट है, टाइम दिखा रहा है, बीच में दिखा रहा है कितने किलोमीटर्स गाड़ी चलेगी, रेंज शो कर रहा है, करंट एवरेज, कंप्लीट ड्राइविंग डेटा आपको मिल जाता है इसके अंदर। एंड आप इस तरह से मेन्यू चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर एंड बहुत रिस्पॉन्सिव एंड बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है होंडा सिटी आईवेटेक का। एंड लेफ्ट पे आप देख पा रहे हैं RPM, राइट साइड पे देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर, सारी की सारी आपकी वार्निंग्स, डोर अजार वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग एंड पार्किंग ब्रेक, आप पार्किंग लाइट्स चलाते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो जाता है इंडिकेटर्स, एंड हैंड ब्रेक खींचते हैं तो उसकी वार्निंग भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सो बहुत ही अच्छा एंड बेस मॉडल के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ मिलती है आपको होंडा सिटी। लाइक कोई इस बजट की गाड़ी लेना चाह रहा हो तो आई थिंक होंडा सिटी इज द बेस्ट कार। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज एंड ऊपर आई बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, उस पर क्लिक आई बटन पे क्लिक करके आपको एक होंडा सिटी 2022 की डिटेल्ड रिव्यू की वीडियो दिखाई देगी, उसको प्लीज़ ज़रा आप देखिए एंड कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। बिफोर वी एंड द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।